Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. So today's video is going to be a bit different क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपको वो मिल सकता है बिल्कुल ऐसी डार्क एंड लॉन्ग लास्टिंग मेहंदी. सो वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल स्टेप. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. सो एट फर्स्ट विल टेक अ टीन यूटेंसिल नॉन स्टिक एंड स्टेनलेस स्टील मत यूज़ कीजिए बिकॉज आफ्टर दिस वी कैन नॉट यूज इट. सो जस्ट यूज समथिंग विच इज लाइक अ बीट ट्रैशी. सो इसमें हम मिला देंगे चीनी, जैगरी विच इज़ गुड इन हिंदी. आई एम यूजिंग अ लिक्विड, इफ यू हैव द सॉलिड यू कैन यूज दैट टू. एंड आफ्टर दैट विल मिक्स इट विद सम कॉफी पाउडर. अब हम इसको रख देंगे फ्लेम के ऊपर और उसके ऊपर रख देंगे एक और मेटल की यूटेंसिल जिसमें होगा पानी. और पानी बॉयल होने के बाद विल स्विच ऑफ द फ्लेम. सो पानी बॉयल होने के बाद मैंने अंदर की चीज़ें एक ग्लास की बोल में ट्रांसफर कर दी है और उसके अंदर की चीज़ें बिल्कुल लिक्विड जैसी हो गई है. एंड नाउ टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी आई विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर इन इट सो दैट इट बिकम्स क्रीमी इन टेक्सचर. Now I will take a makeup brush to paint my nails with this dark stain henna and I'll recommend you to keep it overnight ताकि color ज़्यादा dark और ज़्यादा long lasting बने. नेल्स को पेंट करने के बाद मैंने अपने पाम पे भी ऐसे एक रेंडम बहुत ही बेकार से डिजाइन बनाया था. एनीवे आप इसको ओवरनाइट रखिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब.